अगर आपने ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और आपका विवाह प्रमाण पत्र बन चुका है, या फिर पहले से विवाह प्रमाण पत्र बना हुआ था वह खो गया है या फिर खराब हो गया है और उसे आपको डाउनलोड करना है, तो आप पहचान पोर्टल से बड़े ही आसानी से ओनली मोबाइल फ़ोन नंबर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके इस पोर्टल पर आएंगे। उसके बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर विवाह वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फोन वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करना है। पंजीयन संख्या है तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फोन संख्या डालनी है जो कि विवाह पंजीयन के वक्त आपने दी थी, वही मोबाइल फोन संख्या आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद जो ये कैप्सा कोड दिखाई दे रहे हैं, इसे ऐसे कैसे यहाँ पर लिख लेंगे। इनको लिखने के बाद आपको अगले वाले भाग के अंदर जस्ट खोजे पे क्लिक करना है। तो एक एक करके मैं डिटेल कंप्लीट फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं खोजे पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी जो भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे अंत में आपको जस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो लिंक मोबाइल फ़ोन नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे, वह ओटीपी नंबर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैप्चा डाल चुका हूँ, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा प्रमाण पत्र डाउनलोड होने लग जाएगा और भी आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके सो फोल्डर पे क्लिक करूँगा, फिर इसे मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद इसकी मैं प्रिंट आउट निकाल लूँगा, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये है विवाह प्रमाण पत्र, भी आप देख सकते हैं इसके सिग्नेचर भी आ जाते हैं। अंत में आप आएंगे तो सिग्नेचर भी आ जाएंगे, ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट बन जाएगा। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे, A4 साइज पे कलर प्रिंट आउट इसके निकाल लेंगे। तो ये तरीका था, कभी भी विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना है पहचान पोर्टल के माध्यम से, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन मोड के माध्यम से बनाया है और अपने मोबाइल फोन नंबर दिए हैं, तो इस प्रोसेस से कभी भी आप विवाह प्रमाण पत्र बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे भविष्य में ऐसे ही और वीडियो आपको मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।